प्रयागराज जिले के घोरपुर थाना क्षेत्र में हुए एक ही दिन में 3 घरों में चोरी का खुलासा करते हुए घोरपुर पुलिस ने 4 शातिर गैंग के चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 929 ग्राम सफेद धातु, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 50,000 रुपए और साथ ही 48,000 रुपए नगद, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू तथा चोरी करने का सामान बरामद किया गया है। मामला घोरपुर थाना क्षेत्र के पवर गांव का है, जहां पवर गांव में विगत माह के 5-6 तारीख की रात को एक ही गांव के 3 घरों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा टीमें गठित कर इस घटना के विषय में जानकारी हासिल करने और माल बरामद करने की कवायद शुरू की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर विगत रात पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई, जहां इस मामले में संलिप्त 4 अपराधी मोहम्मद करीम उर्फ ननकू निवासी पूर्वा खास औद्योगिक नगर, मोहम्मद ताजीम निवासी बुदामा खास, मनोज कुमार निवासी कर्मा घोरपुर तथा करण सोनी निवासी कर्मा घोरपुर को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 929 ग्राम सफेद धातु सहित 48,000 रुपए नगद और चोरी के औजार भी प्राप्त किए गए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए थाना घोरपुर के थानाध्यक्ष IPS चिराग जैन ने बताया कि उक्त घटना में यह चारों लोग लिप्त हैं। इसके अलावा भी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि इन्होंने और कहां कहां चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये सभी गैंग बनाकर काम करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को सूचना प्राप्त हुई थी, रात में लगभग 12-4 के बीच में वही गांव में 3 घरों में चोरी हो गई। इसी संबंध में डायरी लिखी गई, मुकदमा दर्ज किया गया 164 पाई। इसी संबंध में हमने SI उमा शंकर के नेतृत्व में टीम गठित करी और उन लोगों ने मुखीर की सूचना पर तहकीकात करके पूछताछ से किसी के मन देखकर ये मुखीर की सूचना पर आज बरामदगी की है। इसमें 4 नफर अभियुक्त, 927 ग्राम चांदी, 48,000 रुपये बरामद किए गए। कार्रवाई हो रही है की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।